टीम ओडिया मनोरंजन भिन्न स्वाद प्रोस्टेट गोटे अखरोट बा वॉलनट जहाँ आम कहू वॉलनट साइज रो गोटे ग्लैंड जोटा परिसरा थली आउ परिसरा रास्तार जंक्शन रे अछि तार साधारणत साइज 18-20 ग्राम्स थाए आउ सब पुरुष नॉर्मल पुरुषंकर शरीर रे एटा थाए एटा गोटे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जोटा रिप्रोडक्शन रे सहायता करे आउ ओल्ड एज रे प्रोस्टेट साधारणत बढ़े एटा गोटे बहुत कॉमन रोग जहाँ को आम कहू बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया जोटा नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट हुए ताजोगु पेशेंट को साधारणतः परिसर गुड़ाए प्रकार समस्या आसो परिसर बारंबार जिबे परिसर कंट्रोल करिपरिबेनि परिसर भल धारे हबनि परिसर कलापर लगे कि किसी परिसर रहीगला परिसर लगे लुगापटर लिक् हो सब लक्षण आसो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया सिम्टम आउ किसी लोक परिसर रक्त बाहर कि दिन बहुत दिन जब रहा प्रोस्टेट तेल परिसर इनफेक्शन होगा इवेन लॉन्ग टर्म रे किडनी रे भी फेल्योर समस्या आसी पारे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया जो यही प्रकार जदि लक्षण आसला तेल सांगे सांगे डाक्तर परामर्श ने अकॉर्डिंगली आपंकर इन्वेस्टिगेशन हम तापर तार ट्रीटमेंट स्टार्ट हम लक्षण हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दि जाए प्रोस्टेट साइज हिसाब से यह सब जिन आपत परामर्श ने डाक्तर किसी आपंकर परीक्षा निरीक्षा करेंगे तापर तार गुड़ाए प्रकार ट्रीटमेंट अच्छी मेडिसिन आजिकल साधारण तो मेडिसिन रे बहुत भल रेस्पन्स प्रोस्टेट गुड़ाए मेडिसिन बाहरीगला आपंकर कनसल्टेंट जी अच्छा जी विशेषज्ञ अच्छा सी एक्चुअली निष्पत्ति ने मेडिसिन रे ठीक करेंगे ना अन्य किसी उपाय ने जदि सर्जरी आवश्यकता पड़ू तेल सर्जरी भी बहुत मिनिमल इनवेसिव मेथड्स बाहरीगला जमीन लेजर अच्छी एंडो यूरोलोजी आपंकर TURP अच्छी ट्रांस यूरेथ्राल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट एगुड़ाक सब नुआ नुआ मेथड होची जोड़ा जहाँ जो मानते जो उपाय करके आम प्रोस्टेट सर्जरी करा हूँ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया ट्रीटमेंट जो नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट आउ गोटे कॉमन समस्या ओल्ड एज रहीपे से कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट साधारण प्रोस्टेट ग्लैंड भितर कैंसर हुए लक्षण गुड़ाक साधारणतः सिमिलर टू बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया बिनाइन एनलार्जमेंट जहाँ लक्षण थाए से भाया ही लक्षण थी जिते बड़े अर्ली स्टेज थी लेट स्टेज रे मेटास्टासिस किंवा रोग जदि बाहर को स्प्रेड कर प्रोस्टेट बाहर को ताले तार लक्षण अलग आसीपा सेटा भी आपड़ विशेषज्ञ पाखक यही प्रकार कौन से परिसर जनित लक्षण नहीं गले आपण विशेषज्ञ प्रथम देखिए कैंसर संभावना अच्छी कि ना जदि अच्छी अकॉर्डिंगली तार टेस्ट करके डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करेंगे कैंसर प्रोस्टेट भी किसी गोटे मानने अनट्रिटेबल डिजीज नुह तार भी विभिन्न प्रकार ट्रीटमेंट बाहरी गला जमी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट है आजिकल संपूर्ण प्रोस्टेट को बाहर कर दिया जाए रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी कहूँ मेटास्टेटिक हेले हार्मोनल ट्रीटमेंट अच्छी रेडियोथेरापी अच्छी यही सब प्रकार ट्रीटमेंट ऑप्शंस अच्छी जोटाक आम देपरू प्रोस्टेट कैंसर में तृतीय ऑप्शन हूँ समस्या हो पाए प्रोस्टेट क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस सेटा बहुत जनक थाए जो प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन हम आउ इनफेक्टिव किंवा नॉन इनफेक्टिव टाइप रो प्रोस्टेटाइटिस हो पारे एथिरे साधारणतः से ही लक्षण रहे जोटा आपंकर बारंबार परिसरा जीवा कंट्रोल न होबा परिसरा कला बेल टिके बिंधिबा एवळा समस्या रहिले क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस रो डायग्नोसिस हेले आपंकर विशेषज्ञ से हिसाब रे तार कारण देखिकी तार भी आपंकर उपचार करिवे तेणु जेकोणसी प्रकार परिसरा जनित समस्या हेले मोर परामर्श रहिबो आपण तुरंत निजर स्पेशलिस्ट को देखांतु आउ तांकर परामर्श अनुसार जहाँ टेस्ट करिबा किंवा ट्रीटमेंट करिबा सेटा करंतु टीम ओडिया मनोरंजन भिन्न स्वादर।